अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, हमें देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो चलिए जी, आपको तो पता था कि रात की मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, पेट में दर्द था, तो रात को मैंने दवाई ली थी। तो माशाल्लाह पहले से कुछ फ़र्क है, कावा भी पिया था और फक्के जो उनसे होते हैं ना, वो हमने मैंने फक्के खा ली थी दवाई। तो चलिए जी, फिर अब तो ठीक हूँ माशाल्लाह से। तो मैंने ना यहाँ से सफाई वगैरह भी कर ली है सारी कमरे की, ये देखें। तो एक यहाँ पे चादर बिछी होती है, आपको अक्सर नज़र आती है, तो वो बच्चों ने ना पानी ऊपर गिरा दिया, तो हमने बाहर धूप पे डाल दिया है। तो आपको दिखाते हैं जी, हमने सफाई वगैरह सारी कर ली है घर की, ये देखें, इस कमरे की भी हमने कर ली है सफाई। किचन को भी हमने देखिए स्मीट दिया है, सारा बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। तो अभी यहाँ से भी नहीं देखे सारा कर लिया। तो चलते हैं जी भाई, देखते हैं अरम और अनाया को कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि ना आपको तो पता है कि कल की मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो मैंने व्लॉग कल नहीं बनाया था। तो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ बाहर इधर उधर आपको दिखाती रहती हूँ, कल अद्रीस ने बनाया था व्लॉग। तो आज चलते जी भाई। चले जी, अनाया और अरम खेल रहे हैं जी मिट्टी के साथ, ये देखो। ये इनके काम है। आजो इधर, आजो इधर, चल आजो उधर, आजो। तो जी चलते हैं, इधर अद्रीस हमें लेके जा रहे हैं जी। कल ये ना बहुत ही उदास थे है ना, रुक जाओ। आपको पता है मुझसे सही तरह से चला नहीं जा रहा, फिर भी दौड़ लगा रहे हो। तो माशाल्लाह जी, पहले से ना काफ़ी मेरी तबीयत बेहतर है, तो थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी ठीक हो जाएगा। तभी मैं से इतना से चल भी नहीं सकती, फिर भी मैंने कहा चलो। मैंने ना कल अद्रीस को देखा था ना, बेचारा अकेला व्लॉग बना रहा था, मुझे बहुत ही दिल को ना तरस आया है। मैंने कहा देखो बेचारा ना आता नहीं है, फिर भी लगा हुआ है व्लॉग बनाने में। सही है ना यार, आपकी मदद भी तो करनी थी। बहुत मेरी कल तबीयत ना ख़राब थी, परेशान थी मैं। तो अभी अब ठीक है, तो आपको बाद में बताएंगे कि मेरे पेट में दर्द क्यों था, है ना। वैसे तो पक्की खा ली थी ना मैंने, वो सही हो गया था। तो जी मैं कल यहाँ पे भी आती थी, व्लॉग बनाती थी वीडियो, तो कल अद्रीस हर जगह पे है, मुझे इसकी आवाज़ आ रही थी जब ये वीडियो को देख रहा था ना, चला के कि सही बनी भी है या नहीं। तो फिर ये कह रहा था यहाँ पे समरीन आती थी, वीडियो बनाती थी, अब समरीन की तबीयत ठीक नहीं है, अब समरीन सो रही है। मैंने कहा देखो मुझे जगह जगह पे ना बेचारा मिस कर रहा है। तो जी यहाँ पे ना आज पता नहीं कल आएंगे ट्रॉली वाले, यहाँ से हल मारेंगे यार, इंग्लिश में से हल कहते हैं। तो यहाँ से ना ये गन्ने वगैरह सारे निकाल के ना इंशाल्लाह फिर इधर कोई और चीज को ना वो करेंगे, बीज लगाएंगे इसके ऊपर, वो गन्ने ही लगाएंगे। गन्ने ही लगाएंगे दोबारा? क्यों, ऐसे क्यों? वो मामू वाले बोल रहे थे ना, उन्होंने कहा हमने फिर गन्ने ही लगा देंगे। अच्छा, आपकी तीली गिर गिर। आप क्यों हंस रही हो बेवकूफ? वो हमारी एक बहन, मैं आपने कमेंट नहीं पढ़ा, वो कह रही थी मुझे वो वाली, वो सुनाना अपना क्या कसीदा। कौन सा आपने फिर? आपको पता है मुझे कमेंट कौन सा पढ़ने हैं, तो पढ़ रहा है सुना लग दे अली वाला। हाँ वो वाला क्या करती वाला कसीदा सुनाना है। हाँ, और एक अपी हमारी कह रही थी कि नाया से जो है ना, वो कहना मेरे लिए दुआ करे। अच्छा इंशाल्लाह करेगी। हाँ, किस चीज की करे ये भी तो पूछना था ना। अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे जो है ना वो। अच्छा इंशाल्लाह देगा अल्लाह पाक, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको दे औलाद, अल्लाह पाक को ना, अल्लाह पाक ना सबको खुश रखे बस। इंशाल्लाह हम भी दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको देगा इंशाल्लाह, और बहुत ही जल्द देगा। नाया से भी दुआ करवाते हैं, तो आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जितने भी बहन भाई हैं वाली हैं उनके लिए स्पेशल खसूसन उनके लिए दुआ करें। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
तो हम तो दुआ करते हैं क्योंकि ना आप लोग तो आपकी वजह से तो हम कुछ बने हैं, आगे जा रहे हैं, क्योंकि ना आप लोग हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए तो फिर हमारा तो फ़र्ज बनता है, फिर भी हम आपको दुआ ना देते रहते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, आपको देगा इंशाल्लाह, हमारे जो भी आप ही है ना इंशाल्लाह आप अल्लाह ना आपको देगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हम नया से भी दुआ करवाते हैं तो नया भी दुआ करेगी। बस आप लोगों ने ना इसी तरह हमारे ब्लॉग को देखते रहना, हमें सपोर्ट करते रहना इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक आपको देगा, मैं दिल से दुआ करती हूँ। आमीन। जब देगा ना फिर आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। तो जी हम ना अभी आए हैं इधर साग को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना चलने नहीं देते, ये घास वगैरह आते काफ़ी तोड़ जाते हैं लोग, ये देखें नहीं, नहीं ये तो बकरियों का घास है, साग वो भी घास है, ये फूल जो उनसे लगे हुए हैं। अच्छा ये भी घास है, मुझे पता भी नहीं है। ये जब साग बड़ा हो जाता है ना फिर ये किधर, साग की मौसम खत्म होने वाली है तो द्रीस साहब के मजे भी खत्म होने वाले। हाँ मुझे पसंद है ना, मैं इसीलिए खाता रहता हूँ। हाँ इसको ना साग वाले पराठे बहुत पसंद है, ये शौक से खाते हैं, है ना। शहर में तो तुझे पता है कि इतना खास मिलते नहीं है ना, वहाँ पे साग नहीं मिलता, बनाने की भी बहुत मसला होता है। हाँ उधर वो रिक्शे वाले लेके फिर रहे होते हैं ना, फटे रिक्शे वाले, गैस होता है कभी नहीं होता, इसीलिए जो है ना। चलो अब तो गैस भी गया, साग भी गया, लेकिन गर्मियों में ना गैस की रूटीन सही रह जाती है ना, इसलिए तो चले जी फिर हम चलते हैं आगे, आगे भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी ना बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और हम और अनाया, ये देखा आपको ना नज़र आ रहे होंगे ये, क्योंकि ना दे रहा है उधर, तो जी चलते हैं आगे, आगे भी आपको दिखाते हैं जी। चलें जी, मैं अनाया को कह रही हूँ, जो हमारी सिस्टर ने कहा था कि ना अनाया से दुआ करवाना, तो हम अनाया से दुआ करवा रहे हैं। तो ये ना इसे उर्दू इतनी नहीं बोलने आती, ये सरेक में ही कर देगी, बस आगे फिर मैं आपको बता दूँगी। चलो अनाया करो आप ही के लिए दुआ। हमारी एक आपी है अनाया, उन्होंने कहा है मेरे घर का काज है, फिर हाँ, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी, अनाया को डोल लेके दूंगी। अल्लाह मियां मेरी मेरी आपी को, जिस आपी ने कहा है आपी लगाया है उसको, उसको एक अच्छा सा काका मिल जाए, छोटा सा दुआ मांगो ना पहले, बोलो अल्लाह मियां आपी को काका दे दो, काका आपी को काका दे दो, आमीन आमीन, बोलो सुना सुना से दे दो, सुना सुना दे दो, बोलो आप ही, मैंने आपके लिए दुआ कर दी है, आपने के लिए दुआ मांग ली है, आप ही से बोलो ना, बोलो आप ही, मैंने आपके लिए दुआ कर दी है, आप ही मैं दुआ लेते दुआ मांग ली है। हाँ अल्लाह ताला दे देगा आपको, बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं कपड़े बांध रही हूँ और क्या हो रहा है, क्यों क्यों वाह जी वाह, अभी कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी तो आप भाग भाग के काम कर रही हो, कोई बड़ा सरप्राइज मुझे लग रहा है, बाद में बताएंगे सरप्राइज। अच्छा वाह जी वाह, हाँ सरप्राइज बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, लेकिन अभी हम ना इस कमरे की सेटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए जब सेटिंग हो जाएगी फिर वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे ना ये गंध वगैरह लग रहा है कपड़ों का, तो इसलिए ना हम यहाँ से ये सारा सामान उठा रहे हैं। तो मेरी तबीयत माशाल्लाह पहले से बहुत ही बेहतर है, चले माशाल्लाह ताला, ऐसा ऐसा ना हो रही है, आप मेरे बहन भाई की वजह से ये सब हुआ है, आप मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं भी आपको दुआ देती हूँ, तो इसलिए आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। मुझे भारती याद आ गई है। भारती बताओ फिर। चलें जी माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा ये है ना लग रहा है मुझे, मैं ना यही देख रहा था, ये देखें ये देखें माशाल्लाह, इन्होंने ना पूरा सेट इसका लेके भाई अहमद वालों ने रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हम भी ये लेंगे। हाँ जी ये देखें जी, हमारे बुजुर्ग होते बड़े, पहले इस बर्तन में बनाते थे रोटी हांडी, तो इसमें पानी पीते थे घड़े में, ये देखिए अब तो इस तरह घड़ा ये पड़ा है यार पानी वाला, इसमें पानी पीते थे। अब हमारे जून से जमाने के है ना, वो पता क्या करते हैं, क्या बोले के ना घर में बस सजा देते हैं, सजा के ना बस शो लगा लेते हैं यार, ये ना असल में पता क्या है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन भी पीना ना सुन्नत है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये जो है ना देश की गर्म बहुत देर से होती है, क्यों। हाँ जी और इसमें ना जब वो हम सालन बनाते हैं ना, तो इसको जब हम उस देचकी में बनाते हैं उसको तो पूरा बना के हम उतार लेते हैं, लेकिन इसको 5-7 मिनट पहले उतारना चाहिए,
क्योंकि अगर ये अगर आपने रियल में पूरा इसको बना के उतारा ना तो आपका सालन जलने का वो हो सकता है, खतरा है, जल भी सकता है। हाँ जी, इसका ये भी बहुत प्रोसीजर है। इसे हम झगड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? दिस इज झगड़ा, जो जो दो मियां बीवी लड़ते हैं तो वो पड़ता है ना झगड़ा, ये वो वाला झगड़ा है। नहीं मैं हाँ। बता रही हूँ कि ये ना देहात में ज्यादा तो होता है, ये शहरों में भी होता है लेकिन लोग कम इस्तेमाल करते हैं। ये दही वगैरह और मक्खन वगैरह निकालने के काम आता है। तो ये माशाल्लाह इन्होंने ये भी ये देखें, मुझे ना इनमें से सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी है ना ये वाली है। क्यों, आपको कैसे पता चला? ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, ये सिंपल सी है ना, अच्छी लग रही है। देखें ये प्यारी है माशाल्लाह। चलें इसको इधर रख देते हैं वापस अपनी जगह पे। यहाँ पे कुकर वगैरह इन्होंने माशाल्लाह रखा हुआ है। ये एक और रात, ये बड़ा छापा, तो ये छापा किस चीज के लिए होता है? ये आपको नहीं पता, जब रोटी बनाते हैं ना इसमें बहुत सारे रोटी है ना, जैसे ये इसको बोलते हैं हम, यार हम तो हार्डपोर्ट बोलते हैं ना, ये तो दूसरा है छाबा बोलते हैं। तो इसमें जब हम बहुत सारी रोटी बना लेते हैं ना, इस कोने के अंदर इसको ढक के फिर ले जाते हैं अंदर। तो जब हम किसी को देते हैं, जब ज्यादा गेस्ट आ जाए, हाँ जी, तो जब किसी को देनी होती फिर ये छोटे छोटे छुबे में ना ऐसे डाल डाल के ना रख देते हैं, रख देते हैं। यू आर वेरी नाइस, पता है इतनी भी बोल, आई लाइक फॉर दिस। और मेरे साथ ऐसा ना बोला करो, समझ आती है नहीं यार, बस जब मैं बोलूँ ना आप समझ लेना आपकी तारीफ हो रही है, आप हंसती रहना। इट्स ओके, देखने वाले कहेंगे पागल है ये। पागल नहीं, अच्छा जो ये, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ आती है नहीं, जैसे रंग हुआ वैसे ही सेटिंग दस्ती, क्या बात है यार, जबरदस्त। ठीक है चलें जी, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही है। अब सेटिंग इनकी, हाँ मुझे दो ऐसे दिखाना है। ये देखिए ये अलमारी की सेटिंग, अभी इधर लगाने हैं। और इनके भी इंशाल्लाह कह रहे थे भाई शीटें वगैरह ले आएंगे, यहाँ पे शीटें बिछाएंगे नीचे तक और नीचे फर्श पे भी, तो आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। चले फिर भाई, ये बेड कैसे अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा ना इसके ऊपर मट्टी वगैरह पड़ गई है, इसको ना टाइम निकाल के ना देखो, सही है थोड़ा सा उसका ना वो आ रहा था बट मुझे अच्छे नहीं लगे, गुंजन गुंजन। चलो जी चले बाहर, तो हमारी घड़ी भी ठीक हो गई है क्योंकि उन बच्चों ने इनका ये नीचे वाला अंडा जो उनसे हिल रहा है ना ऐसे ऐसे वाला, ये ना दिस इज द एग, हाँ ये ना तोड़ दिया था, फिर भाई ने इसको जोड़ा हेल्फी के साथ, तब ये देखे चल रही है। यार असल में ना वो उधर से ना चार पाया है ना, वो खिलाड़ी हुई है हमने, खिलाड़ी तो नहीं हुई मतलब ददाली हुई है, वो उठा के ना जरा हम खड़ी कर देंगे। अच्छा। तो वहाँ पे जो है जगह खुली खुली बन जाएगी हमारे, फिर बना झाड़ू वगैरह दे सकता है। यहाँ पे वहाँ पे ना फूल भरा हुआ है पूरा कच्चा कच्चा, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमें खुद भी महसूस हो रहा था। फिर हमारी सिस्टर है उन्होंने बताया कि आप जो है इसको इस तरह से अटेंड करें, सही है, इन सामान को हम ले आते हैं और इधर रखते हैं, इधर रख दें, हाँ ये भी ठीक है। फिर हम चार पहिया खड़ी कर देंगे, फिर जब हम इसका कारपेट ले आएंगे ना फिर हम इसको कारपेट नीचे बिछा देंगे। फिलहाल तो गुंजाइश नहीं है कारपेट लाने की ना, इंशाल्लाह बाद में। कहाँ पे लेके आ रहे हो? वाह भाई वाह, सही है, इनको इधर ये शापर भी साथ आप लेके आ रही हो? मेरा ये जूतों का शापर है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये माशाल्लाह इन्होंने ना अभी खाली करना शुरू कर दिया है। ये देखें एक चार पाई और पड़ी हुई है, ये भी उठा लेंगे अभी, तो इसको उठाने के बाद ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, ऐसे ना भाई अहमद? हाँ जी बिल्कुल, हाँ ये खाली हो जाएगा। चला जी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हो? हम दुआ मांग रहे हैं। नया आप क्या कर रही हो? मैं दुआ मांग रही हूँ। किस चीज की दुआ मांग रही हो? अपने की। क्या काके की? मांगो फिर। मैं की अपने की काका आ जाए। मैं आप अल्लाह मेरी अपने की काका जाए। कौन सी अपने की? जो कुत्ता अंडा पाई, अंडा पाई जो हमें वीडियो में कहती हैं, है ना? तो हसन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो।
आप भी दुआ मांग दो। हाँ सिस्टर को एक नया टी-शर्ट को एक बच्चा दे दो, काका दे दो, काका दे दो, एक काका दे दो, काका दे दो। हाँ जब काका आएगा फिर सबको मिठाई मिलेगी, ठीक है? फिर मैं मिठाई खिलाऊंगा। ऐशा आप, इकरा आप क्या कर रही हो? मुझे कौन सा बोलना आता है? आप भी दुआ मांग दो, दुआ मांग दो। जिस इधर आओ। इकरा नहीं दुआ मांगती। इकरा को शमर आती है, शमर आती है। चलें जी माँ, वही नहीं करूँ। अच्छा जी चलें। माशाल्लाह ये है मोहम्मद हसन, आपको तारुफ तो करवाया नहीं है। ये है मेरा भतीजा, हाँ भतीजा ही है मैं कह रहा हूँ। और ये है माशाल्लाह, ये भी भतीजी है मेरी। ये है भांजा है मेरा। और ये है अनाया, मेरी स्वीट सी बेटी। ऐसे ना इसको मैं केक खवाऊंगी। केक खवाओगी बर्थडे का? हाँ, चलें ठीक है। अच्छा इकरा को भी खिलाएंगे, पहले इकरा को खिलाएंगे। इकरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है, ये देखें जी। इसने नहीं नहीं इसको नहीं छेड़ना, ये रोती भी बहुत है, आपको पता है ना। ये देखो ये जब वीडियो बन रही होती है ना, ये सहम के खड़ी हो जाती है चुप करके। इसे पता होता है कि हमारी वीडियो। आपने उसको ये क्या खा रही हो? गाजर खानी है बस। नहीं मैं वो कह रही थी आपने अनाया को कहा है ना कि आपकी सालगिरह करने, उसमें तो मेरा सर खा गया। वो करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। मम्मा अल्लाह ताला जैसे फुर्सत देगा ना करेंगे, अल्लाह देगा ना फिर उसकी सालगिरह करेंगे। चले जी हम आए थे दरीस के चाचू के घर, तो यहाँ पे भी इन्होंने भी मुर्गे वगैरह रखी हुई है। तो यहाँ पे ना ये जी काटते हैं घास बकरियों के लिए। ये देखिए यहाँ पे ना भी थोड़ा सा काट के उन्होंने रखा हुआ है। तो आपको तो पता है ये खोल तो नहीं सकते, बच्चे ना खिला देंगे क्या लेके फिर। इधर आओ दिखाओ मुझे, आज आज अरहम और अनाया ना बेर लेके घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे ना बेरी लगी हुई है बेरों की, तो यहाँ पे नहीं है। तो कौवे वगैरह भी यहाँ पे आके ना खाते हैं, तो रम भी खा रहा है जी, है ना रम? हम देखिए तो यहाँ पे ना ये भी आधा इन्होंने रख दिया, आधा काट लिया है। तो यहाँ पे ना ये इनकी एक छोटी सी भैंस भी है, ये देखिए। तो इसकी मम्मा जो उनसे है वो खड़ी हुई है बाहर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी यहाँ पे भी बकरी वगैरह रखी हुई है चाचू वाले ने। तो ये भी मुझे जब भी जो भी बकरी मुझे देखती है ना खड़ी हो जाती, इनको पता लग जाता है कि ये शायद हमें घास देने आ रही है। तो जी यहाँ पे भी दो बैठे हैं, तो एक उधर खड़ा हुआ है दरख्त के साथ। तो अभी हम जाएंगे घर इंशाल्लाह। दरीस मेरे इंतज़ार में बैठे हैं अंदर, तो अभी हम घर जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह घर चल के आपको दिखाते। चले जी ये एक आपी है मेरी छोटी सी, वो लेके आई है मेरे लिए बेर, पीछे करो हाथ। तो इसमें से ना दृश ने अच्छे अच्छे बेर निकाल लिए हैं, तो छोटे छोटे से सारे मुझे दे दिए है ना। नहीं नहीं मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रही है, रखो। हाँ, ये मुझे दे दो बस, आप खा लो बाकी। अरे ये एक मिनट इसको पकड़ना, क्यों वो उसके काम देखिए ना आके। तो जी यहाँ पे ना इनके काम देखे क्या कर रही है उधर, इसके अंदर घुस के ना मुर्गियों के खुडे के अंदर ये कुकड़ू को कर रहे हैं सारे। बाहर आज कुछ चीज काट लेगी, आ जाओ आप। नहीं आ रही हसन, आप आ जाओ। ये देखिए जी इसमें ना हम मुर्गे बंद करते हैं, हसन बढ़ रहा है, ये अच्छा बच्चा है, ये कहना मान के ना आ जाता बाहर। और अरहम के काम देखें, ये भी बारा है बेर के बात सुन के ना। चलो आ जाओ अनाया, आ जाओ। चले जी हाँ लगा सर पे अनाया के, निकलो बाहर। चले जी हमारी एक सिस्टर है और वो कह रही थी कि उसके ना कसीदा बहुत ही अच्छा लगा है हमारा, तो सोना लगता है लही वाला। तो मुझे ना इतना भी याद नहीं है, तो थोड़ा सा ना मैं आपको सुना देती हूँ। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको तो पता है रात की, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ, फिर इंशाल्लाह शाम वाली वीडियो में तबीयत मेरी कुछ ठीक हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह आपको तब सुना देती। शाम वाली वीडियो में सुना देना पूरा, पहले मेरी जब तक भी ठीक होगी ना, फिर शाम को हो ही जाएगी आपकी। चलो अभी सुना दूं फिर। सोना लग दली वाला, सोना लग दली वाला, सोना लग दली वाला, सोना लग दली वाला, किसी भी मैदान विच जा सुन ले।
भजदाली वाला सोना लगदा अली वाला अली मोला मोला अली मोला मार के बो दिला साई जिस दम हांडिया दे विच पाया है तेवर बदले लाल सची दे जोश शहबा देखो सड़दा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला किस भी मैदान विच जा सुन ले नहीं ओ भजदा अली वाला यार आगे भी सुना दो ना। आगे मुझे इतना नहीं आता। आता तो है। इतना नहीं आता ना वो थोड़ा सा आता फिर। चलो ठीक है अभी इस वीडियो का हम करते हैं एंड बस चले जी फिर इसी ब्लॉग का हम यहाँ पे करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले रखेगा अपना ख्याल खुश रहे बाद रहे अल्लाह अल्लाह हाफिज़।